सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। हम कक्षा 10 की गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा हमने। अब हम आज पढ़ेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य। पिछले भाग में आपने कुछ ऐसे तरीके का अध्ययन किया है जो आपको स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। यद्यपि आप केवल अपने प्रयासों के माध्यम से ही स्वस्थ रह सकते हैं, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। पेयजल के अभाव में आपकी माँ पड़ोस के हेडपंप या ढके हुए कुएं से पीने का पानी लाती है। बहुत दिनों से कचरा इकट्ठा हुआ है और उसमें से बदबू आ रही है तथा इसमें मच्छर और मक्खियाँ पनप रही हैं। डेंगू या मलेरिया जैसे संक्रामक रोग फैल गया है। आपके देश में कुछ भागों में सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आई है, तो इन स्थितियों पर आपको विचार करना है। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा? क्या इनके आपातकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव होंगे? इसका उत्तर देने का प्रयास करें। यानी ऐसे क्षेत्र में हम जब कोई व्यक्ति रहता है जहाँ पर पानी गंदा आ रहा है, या हेडपंप से खुले स्थानों से पानी भरा जा रहा है, या बहुत दिनों से कचरा इकट्ठा हुआ है और वहाँ बदबू आ रही है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, मक्खियाँ पनप रही है, डेंगू मलेरिया रोग का संक्रामक होने का बहुत ज़्यादा फैल रहा है या होने की गुंजाइश है, या कुछ भागों में सुनामी या प्राकृतिक आपदा आई, तो ऐसे जगह पर जो व्यक्ति रहता है तो क्या वो स्वस्थ होगा, या उसमें अल्पकालिक या दीर्घकालिक क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे स्थानों पर जैसा कि देखने में आया है कि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, उसको अल्पकालीन प्रभाव भी पड़ सकते हैं, कुछ दीर्घकालीन प्रभाव भी पड़ेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य, समाज, जनसाधारण तथा निजी संगठनों, समुदायों तथा व्यक्तियों के संगठित प्रयासों द्वारा रोगों से संरक्षण तथा जनसंख्या के स्वास्थ्य को संवर्धित करने की क्रिया है। यानी सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? समाज, जनसाधारण तथा निजी संगठनों, सामुदायिक तथा व्यक्तियों के संगठित प्रयासों द्वारा रोगों से संरक्षण तथा जनसंख्या के स्वास्थ्य को संवर्धित, यानी जनसंख्या के जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने की क्रिया से है। इसका उद्देश्य संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा उपचार के स्थान पर रोगों के निवारण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने तथा उन्हें रोगों से मुक्त रखने के लिए सरकार तथा या स्थानीय संगठनों द्वारा विभिन्न गतिविधियां तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ गतिविधियों तथा कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। गांवों नगरों तथा शहरों में साफ सफाई बनाए रखना ताकि रोगों को फैलाने वाले कीटाणुओं के गुणन को रोका जा सके। यानी अगर हम गाँव में, नगरों में या शहरों में साफ सफाई बनाए रखेंगे तो जो रोग फैलाने वाले कीटाणु होते हैं उनकी संख्या को कम किया जा सकता है, उनकी संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। इससे रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। इसमें विभिन्न स्थलों से कचरे का निपटान, साफ पेयजल की आपूर्ति, अपशिष्ट एकत्र प्रणाली आदि शामिल है, और इससे रोग वाहकों जैसे मच्छरों व मक्खियों के प्रसार को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इससे क्या होगा कि जो रोग फैलाने वाले जो वाहक जैसे मच्छर और मक्खी, उनके प्रसार को भी नियंत्रित किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के भंडारों, मांस तथा दूध के विक्रय केंद्रों के में मानक नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। तो जो खाद्य के भंडार है, जहाँ खाद्य पदार्थों का भंडार किया जाता है, मांस और दूध के विक्रय के जो केंद्र हैं उनके भी सरकार ने कुछ मानक नियम बना रखे हैं, उनको भी कड़ाई से वो पालन करें। स्वास्थ्य के संवर्धन तथा रोगों के निवारण के लिए व्यापक सेवाओं की व्यवस्था, जिसमें शामिल है, उसमें क्या क्या शामिल है? शिशुओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये स्वास्थ्य को संवर्धित करना, स्वास्थ्य को बढ़ाने और उसके रोगों के निवारण के लिए कुछ सेवाएं हैं जो की जाती है। उसमें पहला है शिशुओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण के कार्यक्रम, मलेरिया, एड्स, पोलियो, काढ़े, कोड तथा हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों के संचरण के प्रति विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम। बढ़ते हुए बच्चों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आरंभ करना, जैसे कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, तपेदिक के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्लस पोलियो कार्यक्रम। जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों व डिस्पेंसरियों की स्थापना, सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क या अत्यधिक किफ़ायती दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहला है अपने घर को साफ रखें। घर को प्रतिदिन साफ करना या झाड़ू लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको नियमित अंतराल पर घर में सफेदी तथा धूम्रकृत यानी उसमें कोई भी जो धुआं है वो ना हो, धूम्रकृत करना चाहिए ताकि कीटाणु तथा अन्य रोग वाहक घर से दूर रह सके। अपने आसपास को साफ रखें। घर तथा आस पड़ोस के कचरे की व्यवस्था और उसके निर्धारित स्थान पर फेंकना भी महत्वपूर्ण कार्य है। कचरे को कूड़ेदान में न फेंककर बाहर फेंकने से आसपास का वातावरण स्वस्थ
या आसपास का वातावरण अस्वच्छ व दूषित होता है। तो कचरे को अगर हम इधर उधर फेंकते हैं तो हमारा आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, अस्वच्छ और दूषित होता है, और मच्छरों मक्खियों तथा अन्य कीटाणुओं को पनपने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैविक अपशिष्ट जीवाणुओं की सहायता से अपघटित होता है। तो जो भी जैविक अपशिष्ट है वो जीवाणु की सहायता से अपघटित होता है, यानी उसमें बदबू आने लग जाती है। कूड़ेदानों को ढककर रखना चाहिए तथा खाली छोड़ने पर उसकी सफाई भी की जानी चाहिए। तो ये कुछ गतिविधियाँ हैं वो आप देखिएगा, हमें बस गतिविधि को पढ़ते हैं। क्या आपने ऐसे कूड़ेदान देखे हैं जिसमें जैव आक्रमणीय अपशिष्ट तथा गैर जैव आक्रमणीय के लेबल लगे होते हैं? क्या आपने इन कूड़ेदानों के रंगों पर ध्यान दिया है? जी हाँ, ये नीले तथा हरे रंग के होते हैं। ये नीला तथा हरा रंग क्या दर्शाता है? आप इसमें कौन सा कूड़ा डालते हैं? हमारे घरों में निकलने वाले कचरे में आने वाली कुछ सामान्य वस्तुएं जैसे कि अपशिष्ट कागज, प्लास्टिक की थैलियाँ, सब्जियों के छिलके, प्रयुक्त बैटरियाँ, बासी खाद पदार्थ, उपयुक्त पेन, पुराने कपड़े तथा टूटा हुआ कार, इनमें से किन वस्तुओं को आप कौन से कूड़ेदान में डालेंगे? अपशिष्ट निपटारण के लिए आप पाठ संख्या 12 आवासन का भी संदर्भ ले सकते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ को डालने के लिए हमारा पाठ है जो आगे आएगा, तो आप अपने उत्तर की तुलना पाठागत प्रश्न 7.2 के उत्तर खंड से करें। पौधों तथा पशु स्रोतों से उत्पन्न होने वाले जैव आक्रमणीय अपशिष्ट पदार्थों को अन्य जीवाणुओं द्वारा विखंडित किया जा सकता है। इसमें शामिल है हरित अपशिष्ट, खाद अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट, सीवरेज तथा अन्य अपशिष्ट। तो इसको ना जो अन्य जीवाणु है वो अपशिष्ट उसको अपघटित कर देते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ कम प्रदूषण करते हैं। इसके विपरीत गैर जैव आक्रमणीय अपशिष्ट उत्पादों को जीवाणु द्वारा विखंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो सब्जियाँ हैं, सब्जियों के जो छिलके हैं वो कुछ समय बाद में सड़ गल जाते हैं और वो अपघटित हो जाते हैं। जबकि जो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट की बने रहते हैं, वो अपघटित नहीं होते हैं। वो है गैर जैव आक्रमणीय अपशिष्ट उत्पाद जिसको जीवाणु जो है विखंडित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए गैर जैव आक्रमणीय प्लास्टिक उत्पाद, यानी इस तरह के प्लास्टिक उत्पाद जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक आपने देखा वो कभी गलती नहीं है, ऐसे कैसे रहते हैं मिट्टी के अंदर, है ना। तो ये क्या है, गैर जैव आक्रमणीय प्लास्टिक। ये विशिष्ट पदार्थ एकत्र होते रहते हैं और हमारे पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है। अधिक स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए हमें गैर जैव आक्रमणीय अवशिष्ट उत्पाद करने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए खरीदारी के लिए कपड़े व जूट के बैगों का प्रयोग करके प्लास्टिक बैगों के प्रयोग में कमी करनी चाहिए। पानी, बिजली, सड़क तथा कचरा निपटान सुविधा जैसे नगरीय सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सरकार का है। यद्यपि इन सभी सुविधाओं का प्रयोग करने वाले लोगों का भी यह दायित्व बनता है कि वे इन सुविधाओं का सही ढंग से रखरखाव करें। इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए दिल्ली सरकार ने भागीदारी नामक एक अनोखी योजना प्रारंभ की है, जिसमें सामान्य नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए लोगों, सरकारी विभाग तथा नागरिक समूह जैसे आवास कल्याण संगठन तथा बाजार व व्यापारी संघ द्वारा भागीदारी की जाती है। समीना के परिवार के सदस्य हाउस कीपिंग के क्षेत्र में निपुण हैं। उनके स्नान घर भी उतने ही साफ रहते हैं जितने उनके बेडरूम तथा रसोई घर। किंतु जब समीना अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे बाहर बदबू आने लगती है। उसके पैर कीचड़ तथा कचरे में धंस जाते हैं जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। न तो सरकारी एजेंसियां इस ओर ध्यान दे रही है, न ही समीना के पड़ोसी। वह बहुत उदास है और इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाहती है। दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ की गई भागीदारी पहल को ध्यान में रखते हुए समीना के लिए 5 सुझाव प्रस्तुत करें जिससे उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो सके। तो ये सुझाव आपको देने हैं। अगला है टीकाकरण, कुछ संक्रमण रोगों के से सुरक्षा। तो देखो ये भी हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है टीकाकरण करना। आप प्रतिदिन बड़ी संख्या में रोगजनक कारकों के संपर्क में आते हैं। आपका शरीर इनमें से अधिकतर कारकों से लड़ने में सक्षम या क्षमता रखता है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु सहित बाहरी कारकों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने की शरीर की अपनी समग्र क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि जो बाहरी कारक होते हैं जो हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं, तो उसको बीमारी को रोकने के लिए या बाहरी कारकों के विरुद्ध जो हमारा शरीर अपने आप जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है।
एक है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो देखो ये बहुत ही मोस्ट चीज़ है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, या फिर प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से लिखिए। तो हम एक एक के बारे में जानते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोल देंगे। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से हम बार बार बीमार होते हैं। तो ये है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, यानी उसको प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो पहले देखते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जो कि हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, ठीक है, या फिर हमारे शरीर में ही वो बनती है। यह प्रतिरक्षा व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है और यह हमारे शरीर के किसी बाहरी रोग वाहक के प्रवेश के प्रति सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है, हमें व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है और ये हमारे शरीर में किसी बाहरी रोग वाहक के प्रवेश के प्रति सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। यानी बाहरी रोग वाहक, यानी जो रोग को बढ़ाने वाले कुछ तत्व या कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। यदि रोग शरीर में प्रवेश कर भी लेते हैं तो भी वे नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कुछ घटक हैं, विभिन्न प्रकार के अवयव जैसे कि त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली, जो शरीर में बाहरी रोग वाहकों के प्रवेश को अवरुद्ध करती है। तो हमारी त्वचा है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली है, तो ये भी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कैसे करती है कि जैसे कि हम जो भी हम कपड़े पहनते हैं या बाहर हम धूल मिट्टी जो भी होती है वो हमारी त्वचा पर आकर ही जमा हो जाती है और वो हमारे शरीर में के अंदर जो हमारी कोशिकाओं को तक नहीं पहुंच पाती। और जब हम नहाते हैं तो हमारे जो त्वचा से इन सभी असंख्य रोगाणुओं को हम धो धो कर निकाल देते हैं। अगला श्लेष्मा झिल्ली, तो श्लेष्मा झिल्ली जो होती है वो हमारे जो हमारे श्वसन नली से लेकर हमारे भोजन नली तक और हमारे फेफड़ों में उपस्थित होती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे शरीर नाक में या हमारे श्वसन में चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको हम कप के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी सांस के जरिए, जो वायु के जरिए जो भी जो कीटाणु शरीर में जाता है या मुँह शरीर में जाता है, तो उसको जो कीटाणु है वो उस श्लेष्मा से चिपक कर रह जाता है और वो फिर क्या है कि पानी के रूप में, छींक के रूप में या कप के रूप में, बलगम के रूप में वो बाहर हम निकाल फेंकते हैं। उदर में हाइड्रोक्लोराइड, यानी हमारे उदर यानी हमारे पेट में एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोराइड, भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणु को नष्ट कर देता है। तो एक तो देखो हमारे श्वसन नली में एक तो त्वचा होती है, साथ में श्वसन नली में श्लेष्मा झिल्ली होती है, जो एक उसमें निश्लेषा पदार्थ होता है जो बाहर से आने वाले रोग भागों को चिपका लेता है और फिर हम ना छींक के जरिए, बलगम के जरिए बाहर निकल जाता है ना। और एक होता है हमारे पेट के अंदर, पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के साथ जो भी कीटाणु फिर भी हमारे शरीर में चले गए तो उनको वो नष्ट कर देता है। यदि एक रोग वाहक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, कोई भी रोग वगैरह रोग को फैलाने वाला कोई भी कीटाणु है, अगर वो हमारे रक्त प्रवाह में यानी हमारे रक्त की जो नलियां है, प्रवाह की जो कोशिका है उसमें पहुंच जाता है, तो फोगोसाइटिस नामक विशेष प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं उन्हें नष्ट कर देती है। तो आपने देखा होगा हमारे जो रक्त में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं है जिसको फोगोसाइटिस कहते हैं वो नष्ट कर देती है। फोगोसाइटिस इस बाहरी रोग वाहक को घेर लेती है और उसे नष्ट कर देती है। अगला है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है जो हमें बाहर से दी जाती है। यह प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के दौरान विकसित होती है, यानी कि यह जन्म से प्राप्त नहीं होती है, जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है और इसलिए इसे उपार्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं। यह पतिजनों के प्रत्युत्तर में पितृपिंडों को उत्पन्न करने के सामान्य सिद्धांत पर कार्य करती है। कोई रोग वाहक या सूक्ष्म जीवाणु जिसके विरुद्ध प्रतिपिंड उत्पन्न किया गया है उसे प्रतिजन्य कहते हैं। प्रतिजन्य किसे कहते हैं, कोई भी रोग वाहक या सूक्ष्म जीवाणु जिसके विरुद्ध जिससे लड़ने के लिए जो प्रतिपिंड हमारे शरीर में उत्पन्न किया गया है उसे प्रतिजन्य कहते हैं। प्रतिपिंड प्रोटीन अणु है जिसका उत्पादन शरीर की विशेष कक्षा कोशिकाओं, लसिका कणिकाओं द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के ही प्रकार है। हम निम्नलिखित माध्यम से प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें प्रतिरक्षा प्राप्त करनी है तो हम किस तरह से प्राप्त करें, तो पहला है अरक्षितता के माध्यम से। एक रोग के किसी पिछले संक्रमण या अरक्षितता के कारण उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हमें मानो कोई एक रोग ऐसा हो गया जो पहले हो चुका है, जो संक्रामक रोग है, तो उस संक्रामक रोग एक बार होने के बाद में हमारे शरीर में उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। यह प्रतिरक्षा प्राप्त करने की प्राकृतिक विधि है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति को गलसुआ या खसरा हो जाता है तो उसे इस रोग से जीवन भर की प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति को गलसुरा या खसरा एक बार हो गया तो उसको दोबारा नहीं होता। इस तरह हमारी जो छोटी माता निकलती है वो किसी व्यक्ति को एक बार हो गई तो वो उसको दोबारा
नहीं होती, क्योंकि उसके शरीर के अंदर उस रोग से लड़ने के लिए प्रतिपिंड तैयार हो चुके हैं। जब कभी उसको इस तरह का रोगाणु कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश करता है तो वह प्रतिपिंड उस रोगाणु जीवाणु को वहीं नष्ट कर देते हैं। यानी एक तरह से देखी जाएगी एक सैनिक छावनी तैयार हो जाती है टीकाकरण द्वारा। दूसरा है टीकाकरण द्वारा हमारे शरीर में प्रतिरक्षा करना। टीके निष्क्रिय कमजोर रोगजन्य या उनके उत्पाद है जो प्रतिजन्य बाहरी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। देखो टीके क्या है, टीके जो है जिस भी रोग का टीका हमारे शरीर को लगाया जाता है, यानी बीसीजी का टीका मतलब तपेदिक से बचने के लिए लगाया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं जो बीसीजी के टीके में होते हैं यानी जो तपेदिक से बचने के लिए जो टीका लगाया जाता है, तो उस टीके में क्या होता है उसी रोग के मान लो उस टीबी के ही रोग के कमजोर और निष्क्रिय किए हुए रोगजन्य कीटाणु होते हैं जो उसके शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं। जब वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो इतने कमजोर होते हैं कि वो उसको इतना ज़्यादा बीमार नहीं करते उस बच्चे को, और तो उसका जो शरीर है उस बच्चे का जब वो कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश करता है जो कि कमज़ोर होते हैं कीटाणु, तो उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से ही वो शरीर प्रतिपिंड बनाना तैयार कर देते हैं, और इस प्रकार उस निष्क्रिय के जो कमज़ोर जो रोगजन्य कीटाणु उसके शरीर में डाला गया है टीके के जरिए उसको वो ख़त्म कर देते हैं। और जब भविष्य में इस तरह का कोई भी कीटाणु या इस तरह के रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश करता है तो जो वो पहले प्रतिबिंब तैयार बैठे थे जिन्होंने पहले बचपन में उसके इस तरह के कीटाणु से उसका सामना हुआ था उसको वो वहाँ नष्ट कर देते हैं, उसको पहचान लेते हैं नष्ट कर देते हैं। टीकाकरण द्वारा टीके निष्क्रिय कमजोर रोगजन्य या उसके उत्पाद है जो प्रतिजन्य या बाहरी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब शरीर में टीका लगाया जाता है तो वह विशेष रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है ताकि यदि रोगजनक भविष्य में वास्तव में संक्रमित करता है तो प्रतिरक्षण प्रणाली में उस संक्रमण के प्रति सुरक्षा पहले से विद्यमान हो जाती है। तो हमने देखा कि ये क्या करता है, उस प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है, उस रोगजन्य उस विशेष रोग के प्रति जिसके प्रति वो टीका लगा है उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली भी सक्रिय कर देता है ताकि यदि रोगजनक भविष्य में वास्तव में संक्रमित होता है, वास्तव में अगर उसको इस तरह का कोई रोग से संक्रमित होता है तो प्रतिरक्षण प्रणाली में उस संक्रमण के प्रति सुरक्षा पहले से विद्यमान होती है हमारे शरीर और होती है उसके शरीर में। टीकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा की अवधि विभिन्न टीकों के मामले में भिन्न भिन्न होती है। टीकाकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतिरक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ टीकों के मामले में बूस्टर खुराक दी जाती है, समय समय पर वापस उस खुराक को दी जाती है, यानी कि रिपीट की जाती है उस खुराक को। उदाहरण के लिए डिप्टीरिया कुकर खांसी तथा टिटनेस जैसे रोगों के मामले में संक्रमकों से प्रतिरक्षा के लिए बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है। ये हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के आधार का निर्माण करता है जिसके अंतर्गत विभिन्न टीकों को लगाकर अनेक प्रकार के रोगों को नियंत्रित किया जाता है। अगला है टीकाकरण कार्यक्रम। आप सरकार द्वारा जन साधारण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों से अवगत हो गए, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं शिशुओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। तालिका 7.2 में नीचे नवजात शिशु के लिए प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सभी सरकारी डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों में ये टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। अपने माता पिता से पूछें कि आपको आपके भाई बहन के को बचपन में कौन से टीके लगाए गए हैं। तो ये टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को सारे टीके लगाए जाते हैं। देखो ये है आयु है जन्म है 6 सप्ताह, जन्म के 6 सप्ताह, फिर 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 9 से 12 महीने। तो प्रथम टीकाकरण में है बीसीजी यानी जन्म के समय बीसीजी का टीका लगता है, फिर है पोलियो की खुराक डिप्टी और डीपीटी। तो ये जो है जन्म के 6 सप्ताह के अंदर ये पोलियो है डीपीटी है हेपेटाइट बी है और खसरा की सॉरी ये हेपेटाइट बी तक के टीके 6 सप्ताह के अंदर लग जाने चाहिए। फिर है 10 सप्ताह, तो 10 सप्ताह में फिर दूसरा पोलियो की खुराक पिलाई जाती है डीपीटी दी जाती है और हेपेटाइटिस बी की खुराक दी जाती है। फिर है 14 सप्ताह, 14 सप्ताह में वापस इसको रिपीट किया जाता है बूस्टर के रूप में। 9 से 12 महीने के अंदर बच्चों को खसरे की जो है दवा पिलाई जाती है। ये बूस्टर खुराक है यानी कि डीपीटी प्लस पोलियो ये 24 महीने के दौरान पिलाई जाती है। खुराक है डीपीटी है ये 5 वर्ष है, ठीक है। टिटनेस ऑक्सर टीटीटी 10 वर्ष पर तथा पुनः 16 वर्ष पर। विटामिन ए 9, 18, 27, 30 तथा 36 महीने के जो है 9, 18, 27, 30 तथा 36 महीने के अंतराल पर पिलाई जाती है। अब है गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण। टिटनेस का टीका जैसे टिटनेस टॉक्साइड पहली खुराक कब दी जाती है, गर्भ अवस्था के दौरान यथासंभव शीघ्र। दूसरी खुराक पहली खुराक के पश्चात 1 महीने में, बूस्टर 3 महीने के भीतर। प्राथमिक टीकाकरण आयु के प्रथम वर्ष में दिया जाता है ताकि शिशु को इष्टतम सुरक्षा प्रदान की जा सके। टीकाकरण कार्यक्रम में किसी प्रकार का विलंब शिशु के लिए इन संक्रमणों का जोखिम उत्पन्न कर देता है, इसीलिए टीकाकरण का समय क्रम तथा आवृत्ति का अनुपालन ऊपर दर्शाई गई तालिका के अनुसार किया जाना
चाहिए। तो ये गतिविधि दे रखी है, यानी अपने पड़ोस में आपको देखना है, अपने घर में देखना है कि बच्चों को इस तरह के टीके लगे या नहीं लगे, तो कौन से वर्ष में लगे हैं। क्या आप बच्चे को टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी टीके लगाए गए हैं, हाँ या नहीं, सही उत्तर पर गोला लगाएं। यदि बच्चे को सभी टीके समय से लगाए गए हैं तो उसके माता पिता को इस बात के लिए बधाई दें और उनसे कोई दो कारण जानने कि उन्होंने इस टीकाकरण कार्यक्रम का अनुसरण क्यों किया। यदि बच्चे ने टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा नहीं किया है या टीके देरी से लगवाए हैं तो बच्चे के माता पिता को समय पर टीका लगवाने के लिए दो कारण बताएं। आपने समय समय पर प्लस पोलियो अभियान के पोस्टर अवश्य देखे होंगे। वे पोस्टर किससे संबंधित है? सरकार देश से इस घातक रोग को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 5 वर्ष से कम की आयु वाले सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दी जाएगी ताकि पोलियो का उन्मूलन किया जा सके और कोई भी बच्चा इस रोग के कारण अपंग न हो। जनसाधारण की सुविधा के लिए सामान्यतः प्लस पोलियो दिवस का आयोजन रविवार को किया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्लस पोलियो जो दिवस है उसका आयोजन कब किया जाता है, कौन सा दिवस किया जाता है, तो ये है रविवार के दिन। तो विद्यार्थियों, ये था अपना पाठ, अब ये पाठागत प्रश्न है, ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। अब हम देखते हैं आपने क्या सीखा। स्वास्थ्य केवल शारीरिक तंदुरुस्ती या रोगों का अभाव नहीं है, ये संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ऊर्जावान या ऊर्जापूर्ण तथा तंदुरुस्त होता है और वह अपने कार्यों को अच्छी तरह से पूरा कर पाता है। अच्छे मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। वह अनावश्यक रूप से चिंता नहीं करता है और उसमें काफ़ी आत्मविश्वास होता है। वे अपनी देख रेख अच्छी तरह से कर पाते हैं और समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करते हैं। स्वच्छता विभिन्न पद्धतियों, सिद्धांतों या आदतों से संबंधित है जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होती है। स्वच्छता में व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर की स्वच्छता दोनों शामिल है। अच्छे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ भोजन, व्यायाम, नियमित नींद तथा नशीले पदार्थों का सेवन न करना कुछ महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएँ हैं। एक स्वस्थ सामुदायिक जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं तथा सामान्य संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण की सुविधाओं का प्रावधान अत्यंत आवश्यक है। कुछ गंभीर रोगों जैसे टीबी, पोलियो, टिटनेस, कुकर खांसी, डिप्थीरिया तथा हेपेटाइटिस के लिए टीके उपलब्ध है। जीवाणुओं के कारण होने वाले रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमताओं को प्रतिरक्षण कहते हैं। यह प्रतिरक्षा प्राकृतिक अर्थात जन्म से ही या जीवन काल के दौरान उपार्जित हो सकती है। उपार्जित प्रतिरक्षा तब विकसित होती है जब हम एक रोग से गुजर जाते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा ने उत्पन्न होना, वो प्रतिरक्षा उत्पन्न होना तो तब उत्पन्न होती है जब हम एक बार उस रोग से गुजर जाते हैं, तो उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में प्रतिपिंड उसके प्रतिरक्षा हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। यह टीकाकरण के माध्यम से यह सक्रिय प्रतिरक्षा है जहाँ हम रोगजनकों के विरुद्ध रोग प्रतिकारक विकसित करते हैं। अब है पाठगत प्रश्न, तो ये विद्यार्थी पाठगत प्रश्न है जो कि आपके इसके उत्तर अधिकतर पाठों में ही दिए गए हैं। तो एक बार आप इसको अपने पाठ्य पुस्तक से भी देखना और इस वीडियो को अच्छे से एक दो बार और देखना, आपको इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको सारे प्रश्नों के उत्तर उस पाठ के अंदर मिल जाएंगे। एक बार ये होम साइंस की जो ये आपकी पाठ की सीरीज है, इसको कम्प्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी चलाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।